हर भरे नित अंतर पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर। आदरणीय आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, विनय कुमार रोहिला साहब, देवेंद्र पनवर साहब, यहाँ उपस्थित इस सभागार में देश के वो सभी सिपाही जिन्होंने देश का नाम उजागर किया है, जिन्हें आज यहाँ पर इस मंच से सम्मानित किया जाने वाला है, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं आगे बोलूं, मैं अपनी इन चार लाइनों का मतलब ज़रूर समझाना चाहता हूं कि चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, चाहे देश हो, विदेश हो, चाहे हिमालय की चोटी पर आप हैं या किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं, किसी बाग बगीचे में सुंदर फूल देख रहे हैं या किसी खूबसूरत महिला को आप देख रहे हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों से अगर कोई ज़्यादा चीज़ खूबसूरत है तो वो है आपके विचार और आपकी भावनाएं। और कितने मज़े की बात है कि ये दोनों चीज़ें आपके अंदर ही समर्पित हैं, आपको आँखों की भी ज़रूरत नहीं है। आइए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण दिन के दिन आज हम ये शपथ लें कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे अच्छी विचारधारा दे, मुझे अच्छी सोच दे, अच्छी भावनाएं दे, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और अच्छे यत्नों से, अपने कर्मों से इस दुनिया को स्वर्ग का रूप दे सकूं। ऐसी मेरी सोच है, मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। मैं सबसे पहले दिल्ली गौरव अवार्ड की संस्था को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने आज दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात सोची, क्योंकि जब भी कोई नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं उसमें पूरे देश भर के सभी लोगों में से लोगों को चुना जाता है और दिल्ली के लोग बहुत कम रह जाते हैं और ऐसे भावुक हो जाते हैं दिल्ली के लोग कि साहब, जो अवार्ड हमें मिल सकता था वो इस बार इसलिए नहीं मिला क्योंकि पूरे देश से लोगों को इसी सभागार में, विज्ञान भवन में बुलाया जा रहा है। तो मैं दिल्ली अवार्ड इस संस्था को पहले तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि दिल्ली अवार्ड रखकर इन्होंने आज उन सभी लोगों को यहां पर आमंत्रित किया है जिन लोगों ने दिल्ली में बैठकर पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो आप सभी लोगों के लिए पहले एक बार जोरदार तालियां। मैं इतना जानता हूं कि किसी मकाम पर पहुंचना आसान काम नहीं होता, किसी भी अवार्ड को जीतना आसान नहीं होता, उसके लिए तन, मन, धन, पैसा, पदार्थ, मान मर्यादा, इज्जत, शोहरत, सभी कुछ दावे पर लगा देना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी। अगर आप अपने कार्य में लीन हैं, व्यस्त हैं और आप मगन हैं और लगन से काम कर रहे हैं, तभी मुझे लगता है कि आपके जो श्रम है वो आम जनता तक, लोगों तक, ऐसी बड़ी बड़ी कमेटियों तक उनकी जो धार है, उसकी जो तेजस्व है वो पहुंच पाता है और आपका नाम चुनकर ऐसे बड़े अवार्डों के लिए लिखा जाता है। मैं उन सभी अवार्डियों के लिए दो लाइन ज़रूर कहना चाहता हूं कि जिस ओर चले हम मस्ती में, झुक जाए उधर अंबर भूतल, आज़ाद वतन के बाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल, विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। बहुत ही सुंदर। हकीकत तो ये है कि किसी भी मकाम पर पहुंचना आसान नहीं होता, बहुत सारी मुश्किलों को पार करना पड़ता है और इसके साथ ही मैं दो लाइनें उन सभी अवार्डियों के लिए कहना चाहता हूं कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल, कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा, कहीं पहरा कटिल बंधन, यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर सर का यह कविताओं से जड़ा हुआ भाषण हम सबको वाकई उत्साहित कर गया है। अब मैं आप सभी को सूचित करना चाहूँगी कि हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय हर्ष